हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने के लिए कि मैं अपने करवा चौथ पे इस 2023 वाले करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ और किस कलर का पहनने वाली हूँ। ये तो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ करवा चौथ पे कपड़े पहनने की, तो इस तरीके से होता है कि पहले पूजा होती है, ठीक है, दिन के टाइम पे पूजा होती है, तो उस टाइम पे कुछ नया कपड़ा पहनना होता है। फिर रात को जो चांद के लिए पूजा होती है, अपने हस्बैंड के लिए पूजा जो होती है, उसके लिए अलग ड्रेसअप करना पड़ता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको अलग अलग ड्रेसअप करना पड़ता है। इट्स अप टू यू हाउ यू गोना सेलिब्रेट योर करवा चौथ, कि किस लुक में सेलिब्रेट करना है, किस लुक में नहीं करना, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो हालांकि नॉर्मली जो होता है वो ऐसे ही होता है, जब आप कथा पढ़ते हैं तो आप कुछ और पहनते हैं, जब आप रात को पूजा करते हैं तो कुछ और पहनते हैं। तो इस बार मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैं वो पहनने वाली हूँ मॉर्निंग में कथा के टाइम पे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ और किस कलर का है, तो चलिए दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है सबसे पहला वो सूट जो मैं कथा के टाइम पहनने वाली हूँ। जी हाँ, ये है रेड कलर का, बहुत ही सुंदर सा रेड कलर है, जैसे ब्लड रेड होता है ना, मेरा बहुत फेवरेट कलर है ये। रेड में मैरून नहीं अच्छा लगता मुझे, लाइट नहीं अच्छा लगता मुझे, ब्लड रेड वाला रेड जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्टिच करा लिया था और स्टिच होकर आ गया है ये, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि जब कथा का टाइम होगा तो तुम ये पहनना करवा चौथ वाले दिन। तो थैंक यू सो मच मामा, आपने इतना ध्यान रखा मेरा और हमेशा रखते हो आप। और देखिए कितनी सुंदर सी कढ़ाई वाला है, बहुत सुंदर लग रहा है। पहन के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये पहन के कैसा लग रहा है। ये है इसका बॉटम, और इसे मैंने सलवार नहीं, आजकल कुछ डिफरेंट टाइप का स्टाइल चल रहा है तो वो उस तरीके का सिलवाया है। ये है इसका दुपट्टा, प्यारा सा विद दी बॉर्डर, तो इसको मैं पहन के दिखाऊंगी जब मैं अपनी कथा करूंगी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं रात को क्या पहनने वाली हूँ। सो जी हाँ, मैं रात को भी रेड कलर का पहनने वाली हूँ, और ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा लहंगा, और इसे मैंने एक ही बार पहना है, किसी फंक्शन पे पहना था तो उसके बाद ये रखा हुआ था, तो मुझे लगा लेट्स यूज़ इट अगेन। तो और इतना प्यारा है ये लहंगा कि मुझे लगा कि इससे बेस्ट और इससे बेटर आउटफिट कुछ और हो नहीं सकती। एंड जो रेड कलर है, इट्स अ कलर ऑफ लव, तो दिन में भी मैं रेड पहन रही हूँ और मैं रात को भी रेड पहन रही हूँ, वाओ। तो ये है इसका ब्लाउज़, बहुत ही प्यारा सा वर्क वाला ब्लाउज़ है, ये वेलवेट का ब्लाउज़ है, और आई एम श्योर ये बहुत सुंदर लगने वाला है एंड आई कांट वेट टू वेयर दिस। ये मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ये मैंने एक वेडिंग पे पहना था और उसके बाद ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे लगा लेट्स यूज़ इट अगेन। और इसके साथ मैं दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। ये दुपट्टा मैंने एक दो सूट पर भी यूज़ किया है। ये है दुपट्टा विद दी बॉर्डर ऑफ सदा सौभाग्यवती भव, तो बहुत प्यारा नेट का दुपट्टा है, और जब मैं इसको पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। इस दुपट्टे के साथ साथ मैं एक और दुपट्टा कैरी करने वाली हूँ, तो जो दूसरा दुपट्टा है वो है मेरी शादी वाला दुपट्टा, जब मेरे फेरे हो रहे थे तो तब मैंने दुपट्टा पहना था। तो जब आप रात को कथा, मतलब रात को पूजा करते हैं चांद की अपने पति के साथ, तो ये वाला दुपट्टा कैरी करना ज़रूरी होता है, ऐसा हम कहते हैं। और ये है चूड़ा, इस चूड़े को मैं पहनने वाली हूँ, पेयरअप करने वाली हूँ उस लहंगे के साथ, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पूरी लुक तो मैं आपको तभी दिखाऊँगी। तो अगर मैं बात करूं करवा चौथ सेलिब्रेशन की, तो हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है करवा चौथ। फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबीज जो होते हैं वो सुबह मॉर्निंग में सरगी खाते हैं उठ के, उसके बाद वो फास्ट रखते हैं, और बट हमारे में इस तरीके से नहीं होता है। हम रात को 12 बज जाते हैं, उसके बाद हमारा फास्ट शुरू हो जाता है टिल जब तक आपकी पूजा नहीं ख़त्म होती, लाइक 8:30 तक आपका फास्ट रहता है रात को। तो हमारा फास्ट कुछ इस तरीके से होता है, तो सुबह उठ के नहा धो के आपको फ्रेश कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है,
अपनी पूजा वूजा की कथा की तैयारी करनी होती है, दोपहर में कथा होती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ससुराल में आपके जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं आप वो फॉलो कीजिए, यहाँ पे क्या होता है दोपहर को मतलब जो जब कथा ख़त्म होती है, कथा ख़त्म करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर अ प्रेगनेंट वुमेन, इफ़ यू हैव अ बेबी, अगर आप उसे फीड कराते हैं, अगर आप को कोई मतलब छोटी मोटी जैसे अगर आप डायबिटिक हैं या कुछ भी कोई भी आपको डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेन पर्पज़ क्या होता है, आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका जो मन है उस चीज़ को उस तरीके से माने कि हाँ अच्छे तरीके से साफ दिल से उस चीज़ को माने, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप भूखे रहेंगे पूरा कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे तो आप का फल जो व्रत है वो तब सफल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका मन जो है वो ये जो ट्रेडिशन होते हैं फास्ट के, ये क्यों होते हैं, फास्ट क्या होता है आपके जो प्रोसेस को स्लो कर देता है, जब स्लो होता है तो आपको क्या होता है आपका माइंड जो है वो रिलैक्सेशन में जाता है, तो बेसिकली क्या होता था जब फास्ट करते थे लोग, तो जब आपने अगर आपने देखा हो कि जो ज्ञानी जी होते थे और जो मतलब साधु संत होते थे वो पहाड़ों पर जाते थे, हिमालयस पर जाते थे और साधना करते थे और उनका फास्ट चलता था, तो वो इतने महीनों तक सालों तक तो कुछ खाते पीते नहीं थे, तो दैट मीन्स कि मेडिटेशन जो होती है इसका मेन पर्पस होता है, आप अपने मन को शांत रखिए, दिमाग को शांत रखिए, और इसीलिए फास्ट किए जाते हैं। तो हालांकि करवा चौथ का तो कुछ और ही सिग्निफिकेंट है कि अपने पति की अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आपका जो रिश्ता है वो अटूट बना रहे, अच्छे से आपका रिश्ता चले, तो इस तरीके से करवा चौथ रखा जाता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ पे किस तरीके से करवा चौथ रखा जाता है और क्या क्या चीज़ों की तैयारी आप करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपना करवा चौथ है बहुत अच्छे से मनाइए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मेरे लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं लाइक फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, रील्स, आप वहाँ पर इस यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उस चीज़ इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मेरे। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, एंड हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड भी इस बार करवा चौथ ज़रूर रखेंगे, तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको हैप्पी करवा चौथ एंड स्टे ब्लेस्ड।